नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुजरात सूरत कल ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का हुआ लोकार्पण और दूसरा बड़ा ये काम हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। मैं शानदार टर्मिनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सूरत वासियों को, गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और सांसद और गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और सूरत महानगर की ओर से लंबायत विधानसभा क्षेत्र की विधायिका संगीताबेन पाटिल और सूरत महानगर डिप्यूटी मेयर डॉक्टर नरेंद्र भाई पाटिल, इन्होंने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और मोदी जी ने सूरत के लिए हीरा नगरी सूरत को बड़ी सौगात, मोदी जी के हाथों से डायमंड बुरसे का उद्घाटन किया गया। देखिए जगत न्यूज 24 गुजरात सूरत से कैलाश ठाकरे की रिपोर्ट। सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। सूरतियों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। और मुझे याद है जब मैं पहले आता था यहां तो सूरत का एयरपोर्ट कभी कभी लगता है बस स्टेशन ज्यादा अच्छा कि एयरपोर्ट अच्छा। बस स्टेशन अच्छा लगता नहीं था, एक झोपड़ी जैसा था। आज कहां से कहां पहुंच गए ये सूरत का सामर्थ्य दिखाता है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है, बहुत जल्द हांगकांग के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात के साथ ही और आज जब ये सूरत का एयरपोर्ट बना है तब गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे डायमंड के अलावा यहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।